हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और आईपीओ से कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। गाइस इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा एंडिंग तक देखते रहिए। देखिए सबसे पहले बात आती है कि आईपीओ क्या होता है। देखिए कोई भी एक कंपनी है अगर वो चाहती है कि भाई शेयर मार्केट में लिस्ट हो, तो देखिए वो क्या करती है, शेयर मार्केट में जब लिस्ट होती है तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स पब्लिक को क्या है ऑफर करती है। जब वो शेयर अपने पब्लिक को ऑफर करती है तो उस समय वो क्या है अपना आईपीओ लेके आती है, और जब आईपीओ लेकर आती है तो आईपीओ में क्या है जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा क्या है लगा सकते हैं। अब देखिए आईपीओ जब कोई भी एक कंपनी लाती है तो वो क्यों लाती है, तो देखिए कई बार होता है कि कंपनी पर क्या है लोन वगैरह होते हैं, तो गाइस वो अपने लोन को चुकाना चाहती है या फिर वो कंपनी अपने आप को क्या एक्सपेंड करना चाहती है, तो इसलिए उसको जो पैसे की नीड होती है वो क्या करती है, वो इन्वेस्टर से पैसा ले लेती है, और इन्वेस्टर से जब वो पैसा लेती है तो उसके बदले इन्वेस्टर को क्या मिलता है, शेयर मिलता है। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो कंपनी का एक तरीके से मालिक बन जाता है। अब ये हो सकता है कि भाई आपके पास हो सकता है एक शेयर हो, 10 शेयर हो, 15 शेयर हो, ये शेयर की क्वांटिटी क्या है आईपीओ पर डिपेंड करती है कि भाई कौन सा आईपीओ आया हुआ है। तो गाइस आईपीओ का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है, अगर कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है, और उस शेयर के बदले वो कंपनी क्या करती है मार्केट से पैसा उठा लेती है। मार्केट में कौन है, हम लोग जैसे इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर अपना पैसा क्या है कंपनी को लगाते हैं, और कंपनी में लगाने के बाद जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है आपका पैसा मिल जाता है। अब गाइस यहां पर बात आती है कि भाई आईपीओ तो बात हो गई, आईपीओ क्या है, अब यहां पर बात आती है कि भाई आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस देखिए आईपीओ में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होना चाहिए। यदि आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप क्या है आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भाई डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से खुलेगा, तो देखिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए काफ़ी आपके क्या ब्रोकरेज हैं वहाँ से आप खुलवा सकते हैं, जैसे आपका जिरोदा है, आपका आप स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, इस तरीके के आपके काफ़ी ब्रोकरेज फर्म हैं जो आपका क्या डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल देती हैं। तो गाइस ये तो बात हो गई कि भाई आपको अप्लाई कैसे करना है, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो बताया मैंने आपको कि भाई अप्लाई करने के लिए आपको ये अकाउंट वगैरह चाहिए, लेकिन अप्लाई होगा कैसे, तो देखिए यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको देखिए क्या करना होगा, अपनी नेट बैंकिंग के जरिए से ASBA के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप UPI ID के माध्यम से जो भी आपने जहाँ पे अकाउंट खुलवाया है ब्रोकरेज फर्म में, जैसे जिरोदा में खुलवाया है या आप स्टॉक में खुलवाया या एंजल ब्रोकिंग में खुलवाया या 5paisa में खुलवाया है, जहाँ भी आपने अकाउंट खुलवाया है आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर UPI के माध्यम से भी आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे बात आती है जो मेन बात है वो पैसे की, भाई पैसा कैसे कमाएंगे IPO से। जो गाइस आपसे बात की गई है कि भाई पैसा कैसे कमाएंगे, तो गाइस पैसा कमाने के आपके पास दो तरीके हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ए का IPO आया मार्केट में, अब आप क्या करेंगे उस कंपनी का जब IPO आता है तो आप उस IPO के लिए अप्लाई करेंगे। अब गाइस IPO में अप्लाई करने के बाद यदि वो IPO आपको मिल जाता है, यदि आपको IPO मिल गया तो फिर पैसे कमाने के दो तरीके आपके पास आ जाते हैं, और यदि आपको IPO नहीं मिला तो फिर आपका जो पैसा जो आपने लगाया होता है IPO के लिए वो पैसा पूरा आपका क्या बैंक अकाउंट में क्या वापस आ जाता है। तो ये तो बात आप समझ गए कि भाई IPO अगर मिल गया तो आपके पैसे बैंक अकाउंट से कटेंगे, और अगर नहीं मिला तो सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में फिर से वापस आ जाता है। तो गाइस यदि अब IPO मिल गया तो अब पैसा आप कैसे कमाएंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो देखिए पैसा कमाने के फिर आपके पास दो तरीके आ जाते हैं। देखिए पहला तरीका है कि जिस दिन कंपनी मार्केट में लिस्ट हो रही है उस दिन आप क्या है मार्केट की वैल्यू देखें। यदि मार्केट में जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे सपोज करिए आपने कोई एक शेयर 600 रुपये का खरीदा,
आप सपोज करिए जब आपने अप्लाई किया था आईपीओ में तो एक शेयर की वैल्यू अगर 600 रुपये थी और जब मार्केट में वो लिस्ट हुआ अगर वो 800 रुपये पर है, मतलब एक शेयर पर अगर आपको 200 रुपये की फ़ायदा है, मतलब आपको फ़ायदा हुई ना, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप उस दिन सेल कर सकते हैं अपने सारे शेयर को और अपना जो प्रॉफिट है उसको लेकर क्या है निकल सकते हैं और सारे शेयर आप क्या बेच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि गाइस आप सोच रहे हैं कि भाई कंपनी और अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म कर सकती है और आपका जो शेयर का प्राइस है वो और ज़्यादा जा सकता है, 800 की जगह 1200 जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं उन शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब आप उनको अपने पास रख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं उनको 5 साल बाद सेल करूँ तो आप क्या कर सकते हैं 5 साल बाद भी उसको सेल कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप लिस्टिंग डे वाले दिन ही सेल कर दें सारे शेयर, आपका मन है आप लिस्टिंग डे वाले दिन सेल कर दें, आपका मन है आप 1 साल बाद सेल करना चाहें आप 1 साल बाद सेल कर दें, अगर आपका मन है आप 10 साल बाद सेल करना चाहें तो आप 10 साल बाद क्या सेल कर सकते हैं। गाइस देखिए नॉर्मली क्या होता है, यदि कंपनी एक बहुत अच्छी है तो लोग क्या करते हैं शेयर को होल्ड करके रखते हैं और लंबे समय के बाद उसको क्या है बेचते हैं, जैसे 2 साल और बेच दिया, 5 साल और बेच दिया, 10 साल और बेच दिया। और यदि गाइस कंपनी ख़राब होती है तो लोग क्या करते हैं जिस दिन कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में उसी दिन सारे शेयर को क्या सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके क्या है निकल जाते हैं। और गाइस जब अपना आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो गाइस कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने सपोज करिए 15,000 रुपये लगाए थे सपोज करिए, तो आपको कभी 5,000 का फ़ायदा हो सकता है, कभी आपको 10,000 का फ़ायदा हो सकता है, कभी आपको हो सकता है कि 1,000 का फ़ायदा हो। अब गाइस यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि भाई क्या ज़रूरी है प्रॉफिट ही हो, क्या लॉस नहीं हो सकता है? तो गाइस लॉस भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आईपीओ में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये बन जाता है कि भाई ये पता कैसे चलेगा कि भाई प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है? तो देखिए इसके कुछ फैक्टर हैं वो आपको समझना होगा। जैसे सपोज करिए कोई एक कंपनी मार्केट में लिस्ट हो रही है, अगर कोई एक कंपनी मार्केट में लिस्ट हो रही है तो अगर उस कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है तो आप मान के चलिए कि भाई उसका शेयर प्राइस जितने पर जा रहा है उससे ज़्यादा पे वो क्या है आराम से आपका हो जाएगा और उससे ज़्यादा पे आप उसको क्या है सेल कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे जो जोमेटो कंपनी थी उस पर क्या है लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके लिए क्या किया अप्लाई किया, जब बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो जितने प्राइस पर था उससे ज़्यादा प्राइस पर क्या है जितने प्राइस पर उसका शेयर आया था आईपीओ में उससे ज़्यादा प्राइस पर वो क्या लिस्ट हुआ और लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। और गाइस इसी तरीके से एक कंपनी आपकी पहले आई थी एसबीआई कार्ड, जब एसबीआई कार्ड का जब आईपीओ आया था तो लोगों ने कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन गाइस उस समय मार्केट नीचे चला गया था और कंपनी अच्छी थी लेकिन लोगों को उस समय क्या लॉस हो गया था जिन लोगों ने उस समय क्या है लिस्टिंग डे वाले दिन ही शेयर को क्या सेल कर दिया था। तो गाइस डिपेंड करता है कि भाई आईपीओ जब लिस्ट होता है उस समय मार्केट की क्या कंडीशंस हैं। और गाइस ये सब कुछ चीज़ें कुछ एक फैक्टर है उससे भी क्लियर काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, वो होता है आपका जीएमपी। गाइस ये एक अनऑफिशियल मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है, ये आपका अनऑफिशियल मार्केट होता है, इसमें क्या आपका जीएमपी लोग क्या डिक्लेयर करते हैं। अब जीएमपी में बताया जाता है कि भाई मार्केट में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है इस आईपीओ में, तो आप जीएमपी के बेसिस पर क्या थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये भी आपको समझना होगा कि जीएमपी 100% श्योरिटी नहीं है मार्केट में प्रॉफिट होने की, 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन गाइस नॉर्मली देखिए क्या होता है कि जो जीएमपी में बातें कही गई होती हैं वो आप मान के चलिए कि भाई ऑलमोस्ट क्या है वो सही होती हैं, लेकिन 100% की श्योरिटी बिल्कुल नहीं है। यदि मार्केट हो सकता है डाउन चला गया अचानक से, अगर मार्केट किसी समय डाउन चला गया अचानक से तो गाइस जीएमपी का जो डेटा है वो डाउन चला जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई जीएमपी जितना उस समय शो कर रहा हो जिस समय आपने अप्लाई किया हो आईपीओ और जिस समय लिस्ट हुआ है उस समय भी उतना जीएमपी हो। गाइस हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, मतलब थोड़ा जो आपका रिस्क है वो तो होता ही है। अब गाइस आप यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई ये तो दो तरफा बात हुई, भाई प्रॉफिट हो भी सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो अब करना क्या है भाई पैसा कैसे कमाएंगे? तो देखिए एक बात ये ध्यान रखेंगे, अगर कंपनी अच्छी है,
कंपनी अच्छी का मतलब होता है कि भाई कंपनी एक ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में, जो लंबे समय में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गाइस आप आईपीओ में अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और यदि कंपनी खराब है, आप पर उसके ऊपर क्या ट्रस्ट नहीं है, तो गाइस उसमें आप अप्लाई आईपीओ में मत करिए क्योंकि आपको फिर क्या है लॉस हो सकता है। और गाइस इसके रिगार्डिंग और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही आपके साथ कवर करते हैं। और गाइस आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीओ के अलावा एक टर्म आपका और होता है एफपीओ। तो गाइस एफपीओ के ऊपर भी वीडियो हमारा बहुत जल्द आने वाला है। और गाइस शेयर मार्केट के और वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा तरीके पता चलेंगे कि भाई शेयर मार्केट पैसा कैसे लगाएं, कैसे आप प्रॉफिट ले सकते हैं, कैसे आपको सेल करना है, कैसे बाय करना शेयर, गाइस काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।